उसके बिना तो केवल माँ छोटे भाई जो है वो तो आज्ञा का पालन करता है। इसीलिए सभी शक्तियों का समाहार देखिए, धीरे धीरे बाईसी पहाँच की ओर उनको ले जाया जा रहा है। जैसे बाईसी पहाँच की तरफ, बाईस पहाँच का वर्णन उन्होंने अमली जी ने आपको बताया कि ये कैसे प्रतीकात्मक है, ये बाईस पावच 22 सीढ़ियों का महत्व कितना है और उनकी शक्ति कितनी है, इसकी चर्चा अमली जी ने आपसे की थी। तो ये जो बाईसी पहाँच है इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें, जिस बाईस पावच से होकर के महाप्रभु बलभद्र, महाप्रभु जगन्नाथ जिस पावच से होकर के जाएंगे। ये बाईस पावच का विशेष महत्व है। 22 पावच में ये सीढ़ियाँ जो हैं इनको पार करके स्वयं शंकर नहीं जा सके, ईश्वर के नित्य लोक से भूलोक की ओर ही जाती है। नवकलेवर के समय पुरानी मूर्तियों का जब विसर्जन हो जाता है, इसके उपरांत पंडा सबसे पहले 22 पहाज पर तुलसी सेवन करके पवित्र होते हैं। इस 22 पहाज की मान्यता इतनी है। भानुदेव की भी एक महत्वपूर्ण कथा है इस वासुदेव के इस 22 पहाज के प्रसंग में। और जब वो अपुत्रक थे उन्होंने शिव की आराधना की, और जब शिव की आराधना की और आराधना करने के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, उनको इस बात का ज्ञान हुआ या इस बात का पता चला कि पुत्र की उम्र केवल मात्र 22 वर्ष की है। फिर से उन्होंने आराधना की, उनकी पुत्र के कम उम्र होने के कारण 22 पहाज का निर्माण उन्होंने की करवाया। और फिर उसके बाद एक जल का सोता वहाँ से निकला, एक जल स्रोत जब निकल आया, उस जल स्रोत पर जल स्रोत किसी भी तरह से रुका नहीं, इसीलिए फिर उनको स्वप्न, फिर उन्होंने तपस्या की, उनको स्वप्नादेश हुआ, समुद्र में तैर रहे पत्थर को ला करके यदि वहाँ पर लगा दिया गया तो वह स्थान जल का सोता वहाँ से रुक जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। इसीलिए आरंभ में पश्चिमा भी, इसीलिए विश्वनाथ यहाँ पर कहा जाता है कि इसके आरंभ में एक विश्वनाथ का मंदिर देखेंगे बाईं तरफ। ये विश्वनाथ जो हैं वे भी 22 पावच को पार करके नहीं जा सके, इसलिए यहाँ रह करके वो भगवान जगन्नाथ की आराधना कर रहे हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। इसीलिए जहाँ विश्वनाथ नहीं जा सके, और साथ ये भी कहा जाता है कि श्री जगन्नाथ के भंडार रक्षा की जिम्मेदारी भी, मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी विश्वनाथ को है। इसीलिए जहाँ विश्वनाथ नहीं जा सके वहाँ सामान्य जन ये जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए माया मोह से वशीभूत होकर के इसको पार करके कैसे जा सकता है। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र माँ सुभद्रा जिस 22 पावच से उतर करके आए थे, ये दूर से दिखलाई दे रहा है पतित पावन की मूर्ति। पतित पावन की मूर्ति की कथा भी हमने आपको बताई है, किस प्रकार से रामचंद्र देव ने जब एक मुसलमान रजिया से विवाह किया मंदिर की सुरक्षा के लिए, तब वो मंदिर की ओर, मंदिर में प्रवेश उनका बंद हो गया, और यहीं इस पतित पावन की मूर्ति को देख करके उनको संतुष्टि मिलती थी, इसलिए वो दिखलाई दे रहे पतित पावन। पतित पावन का अर्थ नहीं है कि जो जाति से पतित है या जाति से छोटा है। यदि जाति से छोटे होने की बात होती, आज जिन जातियों को आप यहाँ देख रहे हैं उनमें छोटी जातियाँ भी हैं, बड़ी जातियाँ भी हैं, ब्राह्मण से लेकर के शूद्र तक, आदिवासी तक, हर प्रकार की जाति के सेवक हैं जो जगन्नाथ की सेवा में जुड़े हुए हैं, जो जगन्नाथ की सेवा में लगे हुए हैं। इसीलिए यह जाति की बात नहीं है। जो कर्म से पापी है, जो कर्म से नीचे है, जो अभिमानी है, जो अहंकारी है, जो कुसंस्कारी है, इस प्रकार के पतितों के अहंकार को, घमंड के उद्धार के लिए पतित पावन की मूर्ति यहाँ लगाई गई है। इसीलिए ये 22 पहाज जो है यहाँ पितरों का श्राद्ध होता है, और राजा दर्प नारायण जो है यहाँ से जगन्नाथ को दर्शन करते थे और अपने पितरों को भी श्राद्ध दिया करते थे। और इसीलिए भक्त कवि सारिया ने गाया, थका मनो चाला जीवा चौका नयन देखिवा, इस प्रकार के गीत भी उनको देख करके गाए गए हैं। 22 पहाज में रह करके वो गाया करते थे। फिर 22 पहाज की एक और बात है, दशावतारों की पैरों की संख्या भी 22 है, इसे भी इसके साथ जोड़ दिया जाता है। ये 22 पहाज जो है दशावतारों की पैरों की संख्या है, और इसे अष्ट वैकुंठ माना जाता है। श्री कैवल्य, शेषशायी, कैलाश, गर्भोदक, शमी, परम व्योम, श्वेत दीप, वैकुंठ। इस प्रकार से सीढ़ियाँ जो मंदिर की ओर जाती हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं। आप देख रहे होंगे ये सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं। ये जो जा रही हैं 22 पावच सीढ़ियाँ, ये सप्त गोलक, सप्त पाताल और अष्ट वैकुंठ है। और सदाशिव पहली सीढ़ी में है, और जहाँ सदाशिव पहली सीढ़ी में है, हमने कहा मनुष्य वहाँ कैसे जा सकता है। इसलिए जगन्नाथ नीचे उतरे, जीव 22 सीढ़ियों के नीचे है, ब्रह्म ऊपर।
बड़ा ये बड़ा देवड़ा है, आप देख रहे हैं जिस मंदिर है, ये जिस मंदिर के अंदर वो जा रहे हैं उस मंदिर को कहा जाता है बड़ा देवली, बड़ा देवड़ा है। यहाँ के पंडों को भी कहा जाता है बड़ा पंडा, यहाँ के देवता को कहा जाता है बड़ा दियो, और इनके भोग को भी कहा जाता है बड़ा भोग। इस तरह से ये 22 पहाच, ये भी सबसे बड़ा पहाच है जिसको कि हम देख रहे हैं। ये देख रही है धीरे धीरे महाप्रभु बलभद्र 22 पहाच से होते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और 22 पावच में बलभद्र को संकर्षण और रुद्र के रूप में स्वीकार करने के बाद जगन्नाथ के ज्येष्ठ भ्राता की मान्यता भी दी गई है। इससे वैष्णव और शैवों में समन्वय की प्रतिष्ठा हो सकी, क्योंकि बलभद्र शिव के प्रतीक हैं और जगन्नाथ विष्णु के प्रतीक हैं, इसलिए शैव भक्त और विष्णु भक्त में किसी प्रकार की झगड़े की गुंजाइश नहीं है। ये देखिए नृत्यरत ये ओडिशी नृत्य करते हुए जगन्नाथ के सेवक नृत्य भी कर रहे हैं, घंटुआ सेवक घंटे बजा रहे हैं। धीरे धीरे महाप्रभु बलभद्र 22 पहाच से होते हुए धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। ये देखिए दिखलाई दे रहा है उनका टाहिया, ये टाहिया जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, राघवदास मठ को ही इसको देने का अधिकार है। तो ये 22 पहाच से वैष्णव, मैंने कहा वैष्णव और शैव दोनों में समन्वय की प्रतिष्ठा बलभद्र और जगन्नाथ दोनों करते हैं। बाद में हरिहर सम्मिलित उपासना की पद्धति भी, इसका भी विकास यहीं से हुआ। श्री मंदिर की पूजा व्यवस्था में बलभद्र को शिव की अपेक्षा वासुदेव का अधिक निकटतर मानकर उनकी पूजा के लिए द्वादश अक्षर वासुदेव मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय का प्रयोग किया जाता है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि द्वादश अक्षर मंत्र जो है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इससे इनकी पूजा की जाती है। जगन्नाथ को राष्ट्र देवता मानते हुए बलभद्र को संधि विग्रह के अधिकारी माना गया है। जगन्नाथ को राष्ट्र देवता की उपाधि दी गई है। ये देखिए सुंदर सजाया हुआ है, इस मंदिर को। मंदिर के 22 पहाच से ऊपर होते हुए बलभद्र महाप्रभु ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ तक ये दृश्य दिखलाई देगा वहाँ तक मीडिया वाले आपको ये दृश्य दिखाई देंगे, ओटीवी की मीडिया आपको ये दृश्य दिखाएगी। उसके बाद जहाँ से कुछ दिखेगा नहीं वो दृश्य हो जाएंगे, वहाँ से कुछ समय के लिए आपको वो दृश्य नहीं दिखेगा। तब पर महाप्रभु बलभद्र जाकर जब तक अपने आसन पर आसीन न हो जाते हैं, अपने रथ सिंहासन पर आसीन नहीं हो जाते हैं, तब तक सुभद्रा की पहंडी शुरू नहीं होगी। क्योंकि ये पहंडी हम आपको बता रहे हैं बार बार, ये पहंडी गोटी पहंडी है। एक देवता अपने आस्थान पर जब विराजमान हो जाते हैं तब जा करके दूसरे देवता को नीचे उतारा जाता है। बलभद्र को अग्रपूज्य माना जाता है। ये बलभद्र जो जा रहे हैं इनको अग्रपूज्य, ये देखिए दिखाई दे रहा है शिव मंदिर, श्रीवत्स कर्णसाल मंदिर का चक्र, नील चक्र दिखाई जा रहा है, उस पर ध्वजा लहरा रही है, और शाम हो गई है और बादल भी आसमान में छाए हैं। सुंदर दृश्य है, सुंदर नज़ारा है, मानो सारा का सारा दिगंत, सारी दिशाएं आज इन महाप्रभुओं की इस पहंडी को देखने के लिए उतर आए हैं। जो कहा जाता है सभी देवगण जब पहंडी होती है 22 पहाच में यम के दूत के सभी वर्ग, सभी देवगण, सभी अप्सराएं, सब इस यहाँ पर खड़े होकर के इस सुंदर दृश्य का को निहारते हैं। इसीलिए सभी देवी देवगण इस 22 पहाच पर आज विद्यमान हो गए। जिधर से गुजर रही है मूर्ति महाप्रभु से बलभद्र की, बलभद्र को अग्रपूज्य माना जाता है। बलराम दास की गुप्त गीता में चतुर्धा मूर्तियों को चारों वेदों की प्रतीक के रूप में मानकर बलभद्र को सामवेद और श्रवण शक्ति के अधिकारी माना है, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे थे कि हमारे शरीर के जो अंग हैं कान नाक आँख, इनसे भी इनकी तुलना की है। तो गीता की चतुर्धा मूर्ति में चारों वेदों की प्रतीक मानकर बलभद्र को सामवेद माना गया है और श्रवण शक्ति के अधिकारी माना गया है। स्कंद पुराण में बलराम को विष्णु का एक अवतार माना गया है, दोनों में कोई भेद नहीं है, इस बात की पुष्टि कर दी गई है। न भेदस्ति भो विप्रह कृष्णस्य च बलस्य च एक गर्भ प्रसुत्वात् व्यवहारो था लौकिक, कि व्यवहार में ये लौकिक दिखलाई दे रहे हैं। व्यवहार में एक बलराम है, व्यवहार में एक जगन्नाथ है।